अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पिछले 3 दिनों में सल्तनत ऑफ ओमान में 4700 के करीब केसेज हुए हैं और 13 डेथ हुई हैं। जी हाँ, कोरोना एक दफ़ा फिर से सर उठा रहा है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि जो चीज़ें बंद थी वो खोल दी गई हैं, जैसे कि मस्जिद वगैरह और जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे उनको भी 100% कैपेसिटी के साथ अब अलाउ कर दिया गया है। सो ऑप्टिमिज्म है एक वैक्सीनेशन के चलते हुए कि भाई अब मामलात उस तरह के वर्स नहीं होने जा रहे जैसे कि पहले थे, सब कुछ बंद, तो एक अच्छी बात है। दूसरा, साथ ही साथ एक हिट एंड रन के केस में भी एक बंदे को अरेस्ट किया गया है। कभी भी आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाती है, आपने सीन छोड़ना नहीं है, मतलब आपने उस जगह से भागना नहीं है, आपने पुलिस को कॉल करनी है, जो भी मसला मसाइल हो खड़े होकर फेस करना है। अगर आप भाग जाते हो सीन छोड़ के, किसी को हिट करके, किसी गाड़ी को मार के या किसी बंदे को मार के, तो वो उल्टी आपके गले में बड़ी फिल्म पड़ जाएगी, मतलब आपकी जान नहीं छूटेगी यहाँ से, लेकिन आपके गले में अच्छी बड़ी वाली फिल्म फंस जाएगी, फिर वो हिट एंड रन की जो कलम वगैरह है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो आपने ये बड़ा ख्याल रखना है। अब मैं करता हूँ मेन मुद्दे वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो यहां पर आ जाते हैं किसी भी रीजन से, उनका सुपरवाइजर उनको कुछ बोल देता है, बीच वाले बंदे कोई बात बोल देते हैं, यहां पे सैलरी कुछ बताते हैं, वो कुछ है, और फिर वो बोलते हैं अब हमें वापस जाना है। तो देखें, दो सूरतें हैं। बहुत सारे लोग अपना वीजा खरीद के आते हैं, जिसमें वो जो बीच का बंदा होता है, जिसको लोग नॉर्मली यहाँ पे फोरमैन या सुपरवाइजर टाइप बोलते हैं, जो वहां से सारी डील करवाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने अरबाब का पता ही नहीं होता कि हमारा अरबाब कौन है। जो मिडिल मैन होता है वो सारी तरतीब देख रहा होता है, उस मिडिल मैन को ये सारे पैसे दे देते हैं और वो मिडिल मैन जो है वो बीच से फिर पिक्चर से कुछ रहते हैं, कुछ आउट हो जाते हैं। अब बंदा क्या होता है कि बंदा यहाँ पे अवेलेबल होता है, उसका बिल्कुल कुछ बताया जाता है, कुछ काम हो रहे होते हैं और उसको अपने अरबाब का भी नहीं पता होता और मिडिल मैन बीच से गायब हो जाता है। अब इस सूरत में लोग मुझसे पूछते हैं अब हम क्या करें। देखें जी, कानूनी तौर पर 2 सूरतें हैं यहाँ पे। एक, आप अपने अरबाब का अगर आपको पता है तो अरबाब से रब्ता करो, उसको बोलो भाई मेहरबानी मुझे आप बस कैंसिल कर दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पैसे तो आपने ही दिए होते हैं वीजे के, अगर उसने वीजे के पैसे दिए हैं तो यकीनन फिर ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट है, वो आपको फिर जो भी उससे मामला बनेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर तो वो आपको ईजिली कैंसिल कर देता है और आपको बोलता है ठीक है भाई जाओ, अगर आपका नहीं है तो आप यू आर ए ह्यूमन और गो, तो वेल एंड गुड है। लेकिन नॉर्मली केसेस में क्या होता है, लोग पासपोर्ट रख लेते हैं अपने पास और बंदा फिर यहाँ पे आके साइकोलॉजिकली बड़ा परेशान हो जाता है। कोई जैसे ये सारी बातें मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं जो मेरे ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सएप के, उसके अंदर, तो उन बिहाफ पे ही मैं आप लोगों से ये सारी बातें करता हूँ। तो डिप्रेशन में चला जाता बंदा, यार ताबूक का काम, इतनी गर्मी में बोला मुझे 200 रियाल मिलेंगे, यहाँ पे मिल रहे हैं 100 रियाल, 150 बोले थे रियाल मिलेंगे, अब मिल रहे हैं मुझे 80 रियाल, यहाँ पे खाना पीना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, बस अब मैं तो तंग आ गया। तो इस तरह कैसे इसकी मैं बात करूँ, तो आपने क्या करना है, आपने जाके सिंपल लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर देनी, अपनी एप्लीकेशन लिखवानी सनस सेंटर से और लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर देनी है। वो आपके अरबाब को खुद नोटिस भेजेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा उसको, मैसेजेस जो होते हैं, और वो आके फिर आपके जो भी मामला, लेकिन आपको हक पे होना है, आपके पास सबूत होना है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, जितने भी लोगों को आप पैसे देते हैं ना वीजा के लिए, जिस चीज बाय बैंक दें, सबूत रखें अपने पास लाजमी, भले एक व्हाट्सएप में है तो उसका प्रिंट निकलवा के कहीं अपनी फाइल वाइल में लगा लें, ताकि कल को जब आपको सबूत देना पड़े किसी भी मसले की वजह से तो सबूत आप लाजमी रखें अपने पास, क्योंकि शाहिद एक जो सबूत होते हैं वो एक ऐसी चीज है, आपका अच्छे से अच्छा जो कोर्ट केस हो या कोई भी आपका केस हो, मसला हो, उसमें वो बड़े कारगर साबित होते हैं। अगर आपके बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम तो बस जलील हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, साल साल लग जाते हैं, वो इसीलिए लगते हैं कि आपके पास इनफ सबूत ही नहीं होते, आपके केसेस चलते हैं, आप सबूत दो, मैं देखता हूं कैसे नहीं, आपके 3-4 महीने के अंदर अंदर आपका फैसला होता है, यहाँ पे बड़ा फास्ट निजाम चलता है। लेकिन जिस सूरत में आपके पास सबूत नहीं होते, आपको आप दलाइल नहीं दे सकते, आपके पास कुछ होता ही नहीं है कुछ बताने को अदालत को, तो इस सूरत में फिर परेशानी होती है। तो भैया वापिस जाना चाहते हो या अपना हक लेना चाहते हो, डरने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल लेबर कोर्ट में कंप्लेन करो, क्योंकि लेबर कोर्ट का काम ही है कि आपका और आपके जो मामला है एम्प्लॉयर के वो सेटल डाउन करवा के और आपको एक इज्जत की, क्योंकि ह्यूमन राइट जो है ना, देखो हम सब लोग यहाँ पे इंसान हैं, जितने भी लोग इंसान हैं, तो इंसान एक आज़ाद पैदा हुआ और आज़ादी उसका हक है। अगर पासपोर्ट आपका कोई लेता है और पासपोर्ट की बिना पे आपको परेशान, डिप्रेशन और धमकी नहीं देनी किसी ने यहाँ पे किसी को, क्योंकि धमकी बहुत बड़ा गुनाह है यहाँ पे, बहुत बड़ा ऑफेंस है, थप्पड़ नहीं मारना किसी को, हाथ से कोई नहीं लड़ना वड़ना, इन चीज़ों का बड़ा आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये मैंने आज आपको बताई है छोटी सी बात, इस पर बड़ा अमल कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले, लोग बेचारे स्ट्रेस में परेशानी है, स्पेशली मेरी बहनें जो है ना वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, फिर वो हड़बड़ा के मैसेजेस करती हैं क्या करें कैसे करें, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों परेशान नहीं होना,
बस ये काम करना, इंशाल्लाह आपकी मुसीबत हल हो जाएंगी। अगली दफा किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।